मैं दर्शकों से के जो जागरूक दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं गलत हूं तो इस फैक्ट को रीवेरीफाई किया जाए आरटीआई के थ्रू, कि जो 5 किलो अनाज 80 करोड़ भारतीयों को एक साल गया है, वो जो 5 किलो अनाज है वो कौन से गोडाउन से आया था? तो एक साल तक 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो अनाज दिया गया है, तो भारत की जो सुरक्षा है, सुरक्षा व्यवस्था है, तो भारत की सुरक्षा, एक तरफ हमारी भारत की सुरक्षा होती है हमारी सेना, कि दुनिया की तीसरे चौथे नंबर की जो सबसे बड़ी सेना है हमारी, हमें उसके ऊपर गर्व है। परंतु अकेली सेना ही भारत की रक्षा नहीं करती, उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी जो रक्षा पंक्ति है भारत की, वो भारत का अन्न भंडार है। आप कि एक मिनट अगर सुनिए दुनिया, शर्मा जी, एक मिनट सुनिए। इस देश की नाकारा आबादी जो बिल्कुल से किसी लायक नहीं है, कोई काम करने के लिए कामचोर है। 80 करोड़ तो वैसे भी कामचोर है, उसको तो कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ एक बोझ है 80 करोड़। और बाकी जो आबादी वो इतना कामचोर है, कोई काम नहीं करना चाहती है। और अगर गौतम भाई इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और सरकार उनको मदद कर रही है, रेलवे ट्रैक उनके लिए बिछा रही है, जमीनें मुहैया करा रही है, सेलोस बनवाने में मदद कर रही है, बैंक सारे आ गए हैं उनको मदद कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और वो मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, बैंक पैसा दे रही है, सरकार रेलवे ट्रैक बिछा रहा है, जमीनें लेकर के दे रही है, वो मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है दिन रात, गौतम भाई अडानी बिल्कुल मैंने देखा है उनको, कि वो कभी सोते नहीं है और इस तरह से काम करते हैं और सैलोस बना करके अन्न का भंडारण कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप जैसे प्रोफेसर बैठ गए और उनकी आलोचना कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि उनको दे दिया, उनको दे दिया, उनको दे दिया। बताइए। जो उनको जो सिलोज जो भारत में 400 लाख मीट्रिक टन अनाज का भंडारण की जरूरत है, तभी भारत के 140 करोड़ लोग सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि मानसून और प्राकृतिक आपदा के कारण हमारा अन्न भंडार ही हमारे अंतिम सुरक्षा होगी। ये एक मेन बात है, राइट? मैं इस समय गौतम अदानी साहब को ना मैं डिफेंड कर रहा हूं ना मैं उनको अपोज कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ इस देश के 140 करोड़ लोग और दूसरी तरफ इस देश के 2 लोग, इन दोनों के बीच की जो उनकी क्षमता, उनकी पावर और उनका हमारी जिंदगी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है, मैं तो उसकी चर्चा कर रहा हूं। ना मैं कोई दोषारोपण कर रहा हूं, ना मैं कोई इल्जाम लगा रहा हूं, मैं तो केवल और केवल तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। ये जो बड़े व्यवसायी, मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से आपके पास जानकारी होगी, मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसे जी कितने व्यवसायी हैं जिनके पास की गौतम अदानी की तरह काम करने की क्षमता है, उनके बैंक में बैलेंस है, पैसा है, जुनून है, जो ये काम कर सकते हैं? ऐसे कोई नजर में आते हैं भाई? हमारे नरेंद्र दामोदर, नरेंद्र भाई मोदी जी को कैसे कोई सपना आएगा? क्या कोई अप्रोच तो करे भाई, संजीव शर्मा जाकर के बोले कि मेरे पास कैपेसिटी है, मैं सैलोज बना सकता हूं और मैं अन्न का भंडारण कर सकता हूं, मेरे लिए आप रेलवे ट्रैक बिछाइए। तो कोई जाके कहेगा तब तो करेंगे। जो आया उनको नरेंद्र भाई ने दिया, या सरकार ने दिया, या उसके पहले जो सरकारें थी उसने दिया। जी आप ये, और आप कह रहे हैं कि अब ये सरकारें चल रही हैं वो रॉकफेलर से या रॉथशील्ड से या ब्लैक रॉक से, अब ये अलग बात है, ये इस बात में मैं नहीं बोलूंगा। जी अब इस तरह के जब मुद्दे उठते हैं, यहीं जाके हमारी सारी की सारी जो प्रजा है मीडिया के इसी तरह के क्वेश्चंस में जाके फंस जाती है। और आप मेरे से एक कमेंट चाहते हैं कि भारत का शोषण हो रहा है, या भारत का शोषण ये 2 लोग कर रहे हैं, या इनका शोषण करने में हमारे पॉलिटिशियंस मदद कर रहे हैं। मैं उस ट्रैप में जाने वाला नहीं। मेरा काम इस देश के जागरूक नागरिक के होने के नाते केवल और केवल तथ्य आपके सामने है, क्योंकि अगर इस देश में नरेंद्र मोदी साहब जी की इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट है, तो उनको इस देश के नागरिकों ने चुना है, तो नागरिकों का उनके ऊपर पूरा भरोसा है, और उन्होंने जो निर्णय लिए हैं
उनके ऊपर भी उनका भरोसा होना चाहिए, और उनके निर्णयों के फल स्वरूप अगर कुछ फायदा होता है और अगर कुछ देश की जनता को नुकसान होता है, उसके लिए भी देश की जनता ही जिम्मेदार है, राइट? तो ये भी एक नैरेटिव है, और मुझे इस नैरेटिव के बारे में कुछ कहना नहीं है। मैं तो केवल और केवल एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते, एक अर्थशास्त्र का स्टूडेंट होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, जो तथ्य हमारे सामने पिछले 3-4 साल से खुल रहे हैं, वो आपके सामने रख रहा हूं। मैं तथ्य आपने जो आज की जो चर्चा है वो इस बात से शुरू की कि अगर क्योंकि हम मुद्दे पे आ जाएं, क्योंकि नई मुद्दों से हम भटक जाएंगे, कि अगर गौतम अदानी साहब, अदानी और अंबानी ग्रुप के ऊपर कोई अटैक, फाइनेंशियल अटैक होता है थ्रू शेयर मार्केट, अगर उनके शेयर गिरते हैं थ्रू शेयर मार्केट, अगर उनको कुछ होता है तो इस देश का क्या होगा? दैट वाज अ क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चंस पे हम वापस आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इस समय गौतम अदानी साहब के पास भारत के 140 करोड़ लोगों की जो लाइफलाइन है, यानी अन्न भंडारण है, उसका लगभग 25% कैपेसिटी उनके पास, उनके नियंत्रण में है।